उत्पत्ति अध्याय 4 कुल पद 26। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? उसने कहा, तूने ये क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है उसकी ओर से तू श्रापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी और तू पृथ्वी पर बहेतू और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर बहेतू और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नाम देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तो वो गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। और हनोक से इराद उत्पन्न हुआ और इराद ने महुयाएल को जन्म दिया। महुयाएल ने मतुशाएल को और मतुशाएल ने लेमेक को जन्म दिया। और लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का सिल्ला है। और आदा ने याबाल को जन्म दिया। वो तंबुओं में रहना और जानवरों का पालन इन दोनों रीतियों का उत्पादक हुआ। और उसके भाई का नाम युबाल है। वो वीणा और बांसुरी आदि बाजों को बजाने की सारी रीति का उत्पादक हुआ। और सिल्ला ने भी तुबल कैन नाम एक पुत्र को जन्म दिया। वो पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। और तुबल कैन की बहन नामा थी। और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिल्ला मेरी सुनो, हे लेमेक की पत्नियों मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मेरे चोट लगाता था अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था घात किया है। जब कैन का पलटा 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 77 गुना लिया जाएगा। और आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम ये कह के शेत रखा कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले
जिसको कैन ने घात किया था, एक और वंश ठहरा दिया है। और शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। और उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे।